बीएसपी प्रखंड के खंगराढ़ा उच्च विद्यालय के प्रांगण में वार्ड सदस्य संघ की बैठक अब्दुल रादूद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लगभग सभी पंचायत के वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए गौरी शंकर ने कहा कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो मुखिया एवं बीडीओ पंचायत सेवक सभी मिलकर दबाए हुए हैं, इसीलिए सभी वार्ड सदस्य एक होकर अपना अधिकार चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वार्ड सदस्य को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वार्ड सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर करके कार्यकारिणी की बैठक कर लेते हैं, जब इसके बारे में मुखिया एवं ग्राम सचिव को बोलते हैं तो कहते हैं आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे। इसी तरह का मामला लगभग सभी पंचायत में है। मौके पर आलोक कुमार, रविंद्र कुमार, संतोष कुमार, गौरी शंकर, संतोष कुमार, शहाबुद्दीन मोहम्मद, सद्दाम, अनिल कुमार मंडल, अन्य सैकड़ों वार्ड सदस्य मौजूद थे। क्या योजना में कोई कमी हो रही है? योजना में कमी हो रही है। वार्ड सदस्य को जो मान सम्मान मिलना चाहिए चुनाव के बाद, या कार्यकारिणी की बैठक बगैर वार्ड सदस्य के वो लोग फर्जी सिग्नेचर में कर लेते हैं। वार्ड सदस्य को कोई मान्यता नहीं होता है, जो हम लोग क्या किए नहीं किए सब काम करा लिए। वार्ड सदस्य जमीनी स्तर का नेता होता है, हर पब्लिक से बातचीत करता है, देखार चिंधार होता है, जो पब्लिक को ज़रूरत होता है वार्ड सदस्य के यहाँ आता है। वार्ड सदस्य जब बोलता है ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव को मुखिया को, तो बोलता है जो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, हमको जो होगा तो फरिया लेंगे। इसी के विरुद्ध हम लोग जितने वार्ड सदस्य हैं बीएसपी के 2800 पंचायत के, सब लोग एकत्रित हो करके हम लोग अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए एकत्रित हो करके आगे की लड़ाई के लिए कमान यहाँ से शुरुआत किए हैं। खंगरेठा मध्य से, बीएसपी का जो मध्य पड़ता है खंगरेठा, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं। आगे जहाँ तक जाना पड़े, सरकार के नीतीश कुमार तक जाना पड़ेगा, तो वार्ड सदस्य यहाँ का जाएगा। ये मिथिला का भूमि है, विद्यापति का भूमि है, यहाँ विद्यापति की धरती है, इसीलिए हम लोग एकत्रित हो करके वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद।